आपने कई बार ये सुना होगा कि यूपीएससी में फला कैंडिडेट ने पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से एग्जाम दिया है, इस कैंडिडेट ने पीडब्ल्यूबीडी से एग्जाम दिया है। लेकिन कौन डिसाइड करता है, कैसे डिसाइड होता है कि भाई ये जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी है इसके तहत कौन से कैंडिडेट आएंगे, कैसे सिलेक्शन होगा और क्या कुछ पूरा प्रोसेस रहेगा, इसीलिए हम ये खास वीडियो लेकर आ गए हैं जहां हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर ये जो यूपीएससी का पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी होता है ना, वो कैसे काम करता है, कौन से कैंडिडेट इस कैटेगरी में आते हैं और साथ ही उनकी जांच कैसे की जाती है, ताकि आपको सारी चीज़ें बहुत आसान भाषा में समझ में आए। सो वीडियो के एंड तक आपको बने रहना है, बीच में नहीं स्किप करना है, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे न छूटे। चलिए आपको ये बता देते हैं कि अगर आपको इस कैटेगरी से एग्जाम देना है तो आपको क्या कुछ करना होता है और साथ ही ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना, वो कैसा होता है। सो यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक अगर कोई कैंडिडेट विकलांगता कोटे से आवेदन करता है, यानी कि पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से आवेदन करता है, तो उन्हें ये मेक श्योर करना होगा कि जो उनकी डिसेबिलिटी का परसेंटेज है वो 40% हो। अगर कोई मेडिकल बोर्ड ये लिखकर दे देता है कि भाई फला कैंडिडेट को 40% डिसेबिलिटी है, शुरुआती दौर में इसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है और कैंडिडेट को एग्ज़ाम में शामिल होने की अनुमति दे दी जाती है, यानी कि आप पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से एग्ज़ाम दे देते हैं। अब सवाल आता है कि भाई एग्ज़ाम तो दे दिया, प्री निकाल लिया, मेंस निकाल लिया और इंटरव्यू भी निकाल लिया, अब आगे क्या? तो देखिए, जब उम्मीदवार का सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद यूपीएससी बोर्ड से मान्यता प्राप्त जो मेडिकल बोर्ड होता है ना, वो कैंडिडेट की जांच करते हैं। इस दौरान ये जांचा जाता है कि जो विकलांगता का सर्टिफिकेट दिया गया है, जो आंकड़ा दिया गया है, वो सही है या फिर नहीं। जांच के लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाता है। इस बोर्ड में 3 डॉक्टर होते हैं। इसमें एक डॉक्टर वो होता है जो उस फील्ड का स्पेशलिस्ट होता है, यानी कि जिसमें कैंडिडेट को डिसेबिलिटी होती है। मान लीजिए किसी कैंडिडेट को जो आइज है उसकी दिक्कत है, कोई दृष्टि बाधित है, तो उसमें जो स्पेशलिस्ट होंगे वो ऑप्थमोलॉजिस्ट होंगे। तो ये आपको पता चल गया कि ये जो डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट होते हैं इनको किस किस आधार पर जांचा जाता है और साथ ही उसका पूरा प्रोसेस क्या है। अब आपको ये बता देते हैं कि यूपीएससी में कौन कौन सी दिक्कतों को विकलांगता के दायरे में रखा गया है, तभी तो आप जान पाएंगे ना कि भाई फ़ायदा क्या क्या मिलता है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2016 में राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, यानी कि RPWD एक्ट पास किया था। इस एक्ट में विकलांगता से जुड़े जो रिजर्वेशन है ना, उसका जिक्र किया गया था और इसमें डिसेबिलिटी के लिए 5 कैटेगरी तय की गई थी, जिसे बेंचमार्क डिसेबिलिटी कहा गया था। पहली जो कैटेगरी थी वो ऐसे कैंडिडेट्स की थी जो दृष्टिहीन थे, दृष्टि बाधित थे या फिर जिन्हें कम दिखाई देता था। दूसरी जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी थी वो थी सुनने में अक्षम लोगों की, या फिर कुछ लोग आपने देखा होगा कि ऊँचा सुनते हैं, ठीक है, तो ऐसे लोगों को दूसरे कैटेगरी में रखा गया था। तीसरी जो कैटेगरी थी ना, वो थी जिनमें जिनके शरीर में मांसपेशीय विकास ना हुआ हो, यानी कि जिनकी मसल्स डेवलप ना हुई हो, ऐसे लोगों को भी बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अंडर रखा जाता था 3rd कैटेगरी में, ठीक है। और इस जो कैटेगरी है ना, इसमें वो लोग शामिल होते थे जो चलने फिरने में असमर्थ थे, जो चल फिर नहीं चल सकते थे। इसके अलावा जो चौथी कैटेगरी थी वो थी बौद्धिक विकलांगता, ऑटिज्म और जो दूसरी मेंटल समस्याएं हैं उससे ग्रसित लोग। और 5वीं कैटेगरी में वो लोग थे जिनमें एक से ज़्यादा तरह की विकलांगता होती है। सो ये वो 5 कैटेगरीज हैं जिसके बेसिस पर बेंचमार्क डिसेबिलिटी को मार्क किया जाता है। तो अभी आपने जान लिया कि ये जो यूपीएससी की पीडब्ल्यूबीडी वाली कैटेगरी है वो कैसे काम करती है, कौन से कैंडिडेट इसके अंदर फॉल करते हैं और इसका पूरा प्रोसेस क्या है। हम एक और वीडियो लेकर आएंगे जहां पर बताएंगे कि ये जो यूपीएससी की बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाला ये जो फैसिलिटी है, ये जो कैटेगरी है, इससे कैंडिडेट्स को किस तरह की राहत मिलती है या फिर किस तरह की छूट मिलती है, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए और ये जो पूजा खेड़कर का पूरा मामला चल रहा है ना, उसकी भी आपको जानकारी हो जाए, वो भी आसान भाषा में।